आज हम एक ऐसी इनकम अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं जिससे एक 13 साल का बच्चा भी कमा सकता है और एक 40 साल का इंसान भी। हो सकता है आप में से कुछ लोग उमर कुरैशी के बारे में जानते हो, जो कि एक 17-18 साल का लड़का है जिसने 13 साल की उम्र में ब्लॉगिंग शुरू कर दी। मतलब उनके पेरेंट्स ने उनको पैसे दिए बर्थडे पार्टी के लिए और उस पैसे से उन्होंने वेबसाइट बना ली और आज की डेट में उमर कुरैशी महीने का लाखों रुपए कमाते हैं और इसके लिए उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा, वो स्कूल के साथ साथ ब्लॉगिंग से लाखों कमा रहे हैं। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और आपकी ग्रोथ को सिंप्लीफाई करना है मेरा काम। आज जिस शानदार इनकम अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्लॉगिंग। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मैं बताने वाला हूं क्या होता है ब्लॉग और क्या होती है ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग की हिस्ट्री क्या है ताकि आप उसको डीपली समझ पाओ, कुछ करंट ब्लॉगर्स की बात करेंगे, उनकी इनकम डिस्कस करेंगे और उसके बाद 3 स्टेप्स जिसके साथ आप भी अपना ब्लॉग सेट कर सकते हो, रेडी कर सकते हो, शुरू कर सकते हो और टॉप 4 तरीके ब्लॉगिंग से कमाने की। तो सबसे पहले ब्लॉग होता क्या है, आपने देखा होगा कई बार ना शाम को बहुत सारे घरों में ना लेडीज इकट्ठे बैठ जाती है और कई सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करती है, कई बार कुछ काम की बातें होती है और कई बार कुछ इधर उधर की बातें होती है कि सुरेंद्र के घर में क्या हुआ, प्रीतो का पता तुझे क्या है। ऐसे ही पार्क में कई बार लोग बैठे होते हैं, अंकल बैठे होते हैं, कई सारे लोग बैठे होते हैं और कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, कोई लाइफ की बात कर रहा है, कोई ट्रेंड्स की बात कर रहा है और कई बार कुछ ज्ञान कुछ टिप्स भी होती है कि भाई साहब सुबह खौलते पानी में मेथी दाना डालकर पियो, गैस नहीं होती। अब अंकल की गैस बने ना बने लेकिन अगर यही सारी बातें अंकल किसी वेबसाइट पर लिख दें तो अंकल का ब्लॉग जरूर बन जाएगा। ब्लॉग वर्ड को अगर तोड़ के देखें तो ये 2 वर्ड से बना है, वेब और लॉग। वेब मतलब इंटरनेट, लॉग मतलब रिकॉर्ड, तो ब्लॉग का मतलब क्या है, ऑनलाइन रिकॉर्ड। अब ये ब्लॉगिंग क्या होता है, वेरी सिंपल, जो हमने डिस्कस किया, एक वेबसाइट बनाकर उस पर कॉन्टेंट पोस्ट करना, इस काम को इस एक्टिविटी को ब्लॉगिंग कहते हैं और ये आपको हर जगह नजर आ जाएगी। मैं आपको क्विकली 2-3 एग्जांपल्स के साथ ना इसकी डेप्थ एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये एक ब्लॉग है guidingtech.com जो कि अभिजीत मुखर्जी ने बनाया है, यहां पे ये लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में लिखते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में लिखते हैं, जैसे 6 बेस्ट एक्सेसरीज फॉर iPad Air 5। अब आप देखो इस ब्लॉग में इस पेज पे इन्होंने iPad Air 5 की 6 एक्सेसरीज बताई है, स्क्रीन प्रोटेक्टर के बारे में बताया, Air 5 के केस के बारे में बताया, लेकिन राइट साइड में आपको कुछ एड्स नजर आ रहे हैं, फोन केसेस का एड है, हॉटस्टार का एड है, इन एड्स से एक ब्लॉगर को इनकम आती है। इसी तरह से आप ये देखो स्क्रीन प्रोटेक्टर का बाइंग का लिंक आपको नजर आएगा, हर चीज के खरीदने का लिंक नजर आएगा, ये एफिलिएट इनकम होती है। ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही एक ब्लॉग है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, जिसको हिस्ट्री का शौक है उसने हिस्ट्री पे ब्लॉग बनाया, इसमें हिस्ट्री की बातें होती हैं। अब आपको यहां भी नजर आ जाएगा कि हिस्ट्री के कई सारे आर्टिकल्स हैं, हिस्ट्री के कई सारे ब्लॉग्स इन्होंने लिखे हैं, लेकिन बीच में आपको ये एड्स भी नजर आ जाएंगे, जैसे ये GoDaddy का एड है। अब किसी भी चीज में फ्यूचर बनाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि उसके पास्ट के साथ हम कनेक्ट करें। 1998 के आसपास एक ऑनलाइन नोटपैड बनाया गया था जिसका नाम था ओपन डायरी, जिसका एक ही पर्पस था कि लोग अपने दिन के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में उसके अंदर लिखें, जिससे लोग एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ जुड़े। फिर 1999 में पीटर मलहोत्रा नाम के एक डेवलपर ने इसको एक ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया, जिससे और लोग जुड़ते गए। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक लड़की को उसकी जॉब से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसने इस ओपन डायरी के अंदर अपने किसी कुलीग के बारे में कुछ लिख दिया था। सोचो हम भी ऐसे ऑनलाइन हर चीज ओपनली लिखते जाएं, मैं अपने पास्ट, अपने एक्स, अपने झोल सब लिख दूं, तो ब्लॉग तो पता नहीं बनेगा नहीं, गुंजन की तरफ से एक लकड़ी का लॉग जरूर आएगा। फिर 2002 के आसपास कई मदर्स ने पेरेंटिंग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड चीजें लिखनी शुरू कर दी, तो ब्लॉगिंग की बहुत वैल्यू बननी शुरू होगी, लोगों के काम आनी शुरू होगी। 2003 में एक रेवोल्यूशनरी चीज हुई, वर्डप्रेस लॉन्च हुआ। वर्डप्रेस से ब्लॉगर्स के लिए बहुत ईजी हो गया वेबसाइट बनाना, किसी भी ब्लॉगर के लिए वर्डप्रेस को समझना उतना ही जरूरी है जैसे एक शराबी के लिए वोडका और पानी में डिफरेंस को समझना जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस समझना हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ करंट ब्लॉगर्स और उनकी इनकम की। इनकम सुनते ही कैसे कुछ लोगों की आंखें ऐसी होगी ना, क्या आने वाला है। इंडिया में ऐसे थोड़े बहुत नहीं, ऐसे कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो लाखों रुपए महीना ब्लॉगिंग से कमाते हैं। मैं ऐसे कई ब्लॉगर्स को पर्सनली भी जानता हूं। मनी मिंट के एक आर्टिकल की बात करूं तो उसके हिसाब से अमित अग्रवाल, जिनका ब्लॉग है लैब नॉल,
वो अराउंड 70 से 80 लाख रुपए महीना ब्लॉगिंग से कमाते हैं। श्रद्धा शर्मा जिनका ब्लॉग है योर स्टोरी, अराउंड 60 से 70 लाख रुपए महीना उनका आता है वेबसाइट से। हर्ष अग्रवाल जिनका नाम मैंने पहले भी कई वीडियोस में लिया, इनका ब्लॉग है शाउट मी लाउड, जो अराउंड 50-60 लाख रुपीज पर मंथ ब्लॉगिंग से कमाते हैं। तो अब तक आपको क्लियर है कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग की हिस्ट्री क्या है और कैसे कुछ ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं। अब एक्शन की बात करते हैं, अब आपकी बात करते हैं। पहले आपको बताऊंगा वो तीन चीजें जिससे आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो और उसके बाद आपको बताऊंगा टॉप चार इनकम सोर्सेज जिससे आप कमा सकते हो। तो क्या है वो तीन चीजें जिससे आप अपना ब्लॉग बना सकते हो? पहली चीज है विजन। देखो, कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, कोई भी ब्लॉग शुरू करना हो, तो सिंपल सा फंडा है कि प्रिवेंशन से ज्यादा सोल्यूशन बिकता है। याद रखना, हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आएगा, प्रिवेंशन से ज्यादा सोल्यूशन बिकता है। एग्जांपल देता हूं, आप विटामिन्स बेचने की कोशिश करोगे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, जब बीमारी हो जाती है, तो बंदा डॉक्टर के पास भागा भागा जाता है। आप आज बोलो एक्सरसाइज कर लो, दर्द नहीं होगी, लोगों को आलस आता है, एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन जब दर्द होती है तो पेन किलर चाहिए ही चाहिए। प्रिवेंशन से ज्यादा सोल्यूशन बिकता है। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले भी आपको यह देखना है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है लोगों की, जो मैं अपने ब्लॉग के साथ सॉल्व कर सकता हूं और उसको सॉल्व करने में मुझे भी मजा आए। यहां से आपको अपनी विजन मिलेगी, आपको क्लियर होगा आपको ब्लॉग क्यों बनाना है और क्या बनाना है। और जब विजन क्लियर नहीं होती ना, मैं देखता हूं ब्लॉगर्स भटकते रहते हैं, आज ये ब्लॉग बना लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, वो ये कर रहा है, मैं ये कर लेता हूं, भटकते भटकते एक दिन दुकान बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन जब विजन क्लियर होती है तो आप कंसिस्टेंट रह पाते हो और अपने ब्लॉग को चला पाते हो और अर्न कर पाते हो। अब सबसे पहले तो ब्लॉगर के पास विजन होनी चाहिए, विजन के बाद अब ब्लॉग बनाना भी तो है, और बनाने के लिए क्या चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए, वो है टूल्स। ब्लॉग बनाने के लिए चाहिए वेबसाइट, और वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, दो चीजों को समझना जरूरी है, एक है डोमेन और एक है होस्टिंग। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑनलाइन एड्रेस। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि अगर आपको मेरे घर आना है तो आपको क्या चाहिए, मेरा एड्रेस चाहिए। अब आपको मेरा एड्रेस मिल गया कि हिमीश मदान रहते हैं गुड़गांव में, सेक्टर 66 में, इमार विलाज में, विला नंबर 250 मैंने ऐसे बोल दिया, विला नंबर कुछ और है। अब जब आपको एड्रेस मिल गया, आप मुझे ढूंढ पाओगे, आप मेरे तक पहुंच पाओगे। ऑनलाइन दुनिया में जो आपका एड्रेस होता है उसको कहते हैं डोमेन। ऑनलाइन दुनिया में अगर आपको मुझे ढूंढना है तो आपको मेरा डोमेन चाहिए, जैसे कि himish.com, ये मेरा डोमेन है, जैसे कि seekhegaindia.com, znews.com, ये डोमेन है, ये ऑनलाइन एड्रेस है जिससे आप किसी तक पहुंच सकते हो। अब आप मेरे घर के बाहर आ गए, आपको एड्रेस मिल गया, अब आप मेरे घर के अंदर आते हो, मतलब मेरी स्पेस में आते हो, जो स्पेस मैंने खरीदी है, अपने हिसाब से सजाई है, अपने हिसाब से बनाई है, आप आते हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, अपनी सुना रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, ये मेरी स्पेस है। एड्रेस के बाद स्पेस आई। इसी तरह से ऑनलाइन जो आपकी स्पेस होती है, जिसके अंदर आप कंटेंट लिखते हो, अपनी फोटोज बना रहे हो, लगा रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, वो सब आपकी ऑनलाइन स्पेस है, जिसको कहते हैं होस्टिंग। तो डोमेन आपका ऑनलाइन एड्रेस हो गया, होस्टिंग आपकी ऑनलाइन स्पेस हो गई। कितना अच्छे तरीके से समझाया ना, अगर अग्री करते हो तो नीचे लिख देना ग्रेट एक्सप्लेनेशन। अब ये डोमेन और होस्टिंग कैसे सेट करें, कहां से ले, ये कोई सब्जी मंडी में तो मिलेगा नहीं, आलू ले, प्याज ले, डोमेन ले, होस्टिंग ले, स्पेस ले। इसके लिए कुछ कंपनीज ने स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जिसकी वजह से आप डोमेन होस्टिंग एक ही जगह से ले सकते हो, इजीली अपने ब्लॉग को सेट कर सकते हो, अपनी साइट बिल्ड कर सकते हो, 24/7 ये चीजें चलती रहें, आपकी ऑडियंस को मिलती रहें। इन प्लेटफॉर्म से आप होस्टिंग और डोमेन ले सकते हो। जिस प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रस्ट हो, जो आपको रिलायबल लगे, वहां से आप ले सकते हो। मैं होस्टिंगर सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरी खुद की मैक्सिमम वेबसाइट्स होस्टिंगर के साथ होस्टेड हैं और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ हमेशा अच्छा रहा है। तो ट्यूटोरियल के लिए मैं होस्टिंगर का ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगा, इसके अलावा आपको जहां से लेना हो, जहां आपका ट्रस्ट हो, आप ले सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा सिर्फ बताता नहीं हूं, टूल्स सिर्फ बताने से नहीं आते, देखने से समझ आते हैं। तो एक लाइव ट्यूटोरियल देखते हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो ये आ गए हम होस्टिंगर की वेबसाइट पे, और यहां जाके मैंने होस्टिंग पे वेब होस्टिंग क्लिक किया, और हमें यहां नजर आ रहा है कि एक ऑफर भी चल रही है, और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको नजर आएंगे अलग अलग प्लान्स। मेरी प्रेफरेंस प्रीमियम वेब होस्टिंग की रहती है, क्योंकि इसमें आपको इस कॉस्ट पे कई सारे और फीचर्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको 1 वेबसाइट होस्ट करने की ऑप्शन मिल रही है, या 100 वेबसाइट होस्ट करने की ऑप्शन मिल रही है, इस तरह की कई और फीचर्स आपको इस प्लान के अंदर मिलते हैं, इसीलिए ये बेस्ट सेलिंग बेस्ट वैल्यू प्लान है। और अगर आप प्रीमियम प्लान की 4 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल डोमेन मिलता है, लाइफ टाइम के लिए SSL मिलता है और DDoS प्रोटेक्शन मिलती है। सो मैं इस प्लान को कर रहा हूं ऐड टू कार्ट,
तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप 12 मंथ्स की लो, 1 मंथ की लो, 24 मंथ्स की लो या 48 मंथ्स की लो। अगर आप 48 मंथ्स की लेते हो तो आपको 70% डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है और साथ में वो चीज़ें भी मिलती है जो मैंने आपको ऑफर में दिखाई थी। सो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, आप मेल हो या फीमेल डालो अपना ईमेल। तो पेमेंट मेथड आपको सिलेक्ट करना है, आपके पास कई ऑप्शंस है, यूपीआई, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। मैंने यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमने 48 मंथ्स का प्लान लिया तो हमें डोमेन नेम फ्री मिल गया है और साथ में ये डिस्काउंट मिला ऑलमोस्ट 70% का। और फर्दर डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो मेरा, विच इज HM7, और देखते हैं क्या होता है। और आपको फर्दर डिस्काउंट HM7 कूपन कोड के साथ मिल जाता है और अब हम पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और यहां पे हम अपना न्यू पासवर्ड सेट किया, कंफर्म किया और यहां आ गई हेलो और वी कैन क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। तो स्ट्रिंगर पे आपको ये ऑप्शंस नजर आ जाती हैं जो आपकी हेल्प करती है। अगर आप नए हो, चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके ये आपको गाइड करते जाते हैं और आपको साथ साथ वेबसाइट बनाने में हेल्प करते हैं। सो मैं यहाँ पे माई सेल्फ कर रहा हूँ और इट विल बी व्हाट बिजनेस है, पोर्टफोलियो, ऑनलाइन स्टोर। यहाँ पे हम ब्लॉग बना रहे हैं तो आई विल सिलेक्ट ब्लॉग। क्या मैं प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएटर हूँ या मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या मैं बिगिनर हूँ या मैं फर्स्ट वेबसाइट बना रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं अपनी फर्स्ट वेबसाइट बना रहा हूँ, क्योंकि हम स्क्रैच से बना रहे हैं तो मैं बिल्ड अ वेबसाइट को सिलेक्ट कर रहा हूं। यहां पे प्लेटफॉर्म चूज करने को बोला गया, वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए एक ट्राइड, ट्रस्टेड, टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, मैक्सिमम ब्लॉगर्स इसको यूज करते हैं तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। वर्डप्रेस अकाउंट बनाने के लिए ईमेल एड्रेस मेरा पहले से आ गया, मैं यहां पर एक पासवर्ड लगा रहा हूं और कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखो आपके सामने ऑप्शन आ जाती है कि कैसा लेआउट आपको चाहिए। आपको स्क्रैच से नहीं बनाना, आप डिजाइन चूज कर सकते हो किस तरह का लेआउट चाहते हो। अभी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बाद में चेंज भी कर सकते हो, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। तो मैं अभी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे पब्लिक स्पीकर वाला लेआउट। और अब आ गई एड्रेस की बारी, डोमेन की बारी कि वेबसाइट का एड्रेस क्या होगा। क्योंकि हमने 4 ईयर्स वाला पैकेज लिया तो हमारे पास एक फ्री डोमेन मिला है तो मैं उसको क्लेम करता हूँ। तो मैं नाम सोच रहा हूँ .in से वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट, उसका नाम रखते हैं, फूड ब्लॉग बनाते हैं तो jamawar.in, देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। तो ये अवेलेबल है तो मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। सारी ऑप्शंस मेरे सामने आ गई हैं, मैंने फिनिश सेटअप दबा दिया। कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, आप उनको फिल कर सकते हो, जैसे कि कंट्री नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो कुछ डिटेल्स मैंने दे दी और क्लिक कर दिया फिनिश रजिस्ट्रेशन पे। हमारी साइट रजिस्टर हो रही है, किसी सरकारी ऑफिस नहीं जाना, कहीं फाइल नहीं लगानी, किसी वकील को नहीं मिलना, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को मिलना, सब ऑटोमेटिक। सो वेल डन, यू आर रेडी। ये कह रहे हैं कि तुम तैयार हो। हाँ तो हम तैयार ही हैं, कोट पहने, टी शर्ट पहनी, पैंट पहनी, मैं तो तैयार ही हूं। ओके, सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अपनी वेबसाइट देखो, लेकिन अभी हमने कुछ बनाया नहीं है तो देख के क्या करेंगे। और दूसरी है वर्डप्रेस डैशबोर्ड, बहुत मजा आएगा। अगर आपने कभी पहले नहीं देखा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कैसे इसके अंदर फीचर्स है, ऑप्शंस हैं, आपको नजर आएगा वेबसाइट बनाना कितना आसान है। तो मैनेज वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं और वर्डप्रेस की दुनिया के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है एडिट वेबसाइट, एडिट वेबसाइट पे क्लिक किया तो ये वो जगह है जहां पे आप अपनी वेबसाइट को खुद से इजीली डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखाता हूं, लेकिन जब आप इसको प्ले अराउंड करोगे, इसको देखोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। मैं पेजेस की तरफ गया और मैं ऑल पेजेस पे चला गया। पेजेस में जो मेन पेज है, होम पेज, उसके अंदर जाके मैंने एडिट पे क्लिक किया। अब देखो डिजाइन हमें मिल गया, लेकिन जो भी टेक्स्ट हम बदलना चाह रहे हैं वो हम यहां पर बदल सकते हैं। वेलकम टू इंडियन फूड, वेलकम टू इंडियन फूड व्लॉग, सॉरी व्लॉग, आदत है ना वीडियो ब्लॉग्स बनाने की। सो वेलकम टू इंडियन व्लॉग मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। मैं चाहूँ तो पीछे की फोटो भी चेंज कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकता हूँ। एंटर द व्लॉग, तो यहाँ पे मैं इस फोटो को चेंज करके अपनी फोटो लगा सकता हूँ, खाने की फोटो लगा सकता हूँ, जो भी जैसे व्लॉग डिजाइन करना चाहता हूँ मैं ये हर फोटो चेंज कर सकता हूँ, हर टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। सो ये मैंने अपने एक इवेंट की फोटो लगा दी, कितनी शानदार फोटो है। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी फोटो, कोई भी टेक्स्ट, सब कुछ चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से ईजिली इसको डिजाइन कर सकते हो। और इसके बाद मैंने इसको अपडेट करते हैं और वापस चलते हैं।
वापस आ गए हम डैशबोर्ड पे। आपको यहाँ पे कई सारी ऑप्शंस नजर आ रही है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। धीरे धीरे इनके बारे में और अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी तो आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, क्योंकि हम ब्लॉग बना रहे हैं और ब्लॉग में कैटेगरीज होती है। तो मैं पोस्ट में जाके सबसे पहले अपने ब्लॉग की कुछ कैटेगरीज बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ब्लॉग में क्या क्या हो सकता है। मेरे ब्लॉग में हो सकता है नॉर्थ इंडियन फूड, उसका एक अलग कैटेगरी बना दी मैंने। ये सब डिस्क्रिप्शन वगैरह भी हम लिख सकते हैं, फिलहाल मैं कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ। ऐसे एक और कैटेगरी बना दी मैंने, कुकिंग, हैक्स, साउथ इंडियन फूड, गुजराती फूड। अब फूड में मुझे कितनी कैटेगरीज बनानी है, कैसे अपने ब्लॉग को डिजाइन करना है, उस हिसाब से मैं कैटेगरीज बनाता जा सकता हूँ। अब कैटेगरीज हमें क्लियर है, अब अपनी पहली ब्लॉग पोस्ट कैसे बनानी है। तो यहीं पे पोस्ट के अंडर हमें ऐड न्यू की ऑप्शन नजर आ रही है, हम ऐड न्यू पे क्लिक कर रहे हैं और ये मेरा पहला ब्लॉग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहला ब्लॉग लिख रहा हूँ 5 कुकिंग हैक्स, और यहाँ पे मैं कंटेंट लिख दूंगा। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने 5 कुकिंग हैक्स के साथ 5 हैक्स लिख दिए हैं। मैंने अभी कहीं से भी ये हैक्स उठाए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी मैंने आपको एक बेसिक बताया, यहाँ पे आप इमेजेस भी लगा सकते हो, डिज़ाइन के साथ खेल सकते हो, फॉर्मेट के साथ खेल सकते हो, ये सारी ऑप्शंस आपको है। इसके अलावा जैसे जैसे आप इस चीज़ को समझोगे, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे आप टैग्स क्या डालना चाहते हो इस पेज के, इस पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करना चाहते हो, टाइटल में क्या रहेगा, ये सब कुछ आपके लिए यहाँ पे बहुत इजी रहेगा। बेसिक से आप शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। तो इसको हम करते हैं पब्लिश। पब्लिश, अब वेबसाइट आपने बना ली, ब्लॉग आपने सेट कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी ब्लॉगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्टेंट। अब बारी आती है कॉन्टेंट की, और कॉन्टेंट से मतलब ये नहीं होता कॉपी पेन पकड़ा लिखना शुरू कर दिया, गूगल डॉक खोला लिखते गए। नहीं, कंटेंट के लिए आपको सबसे पहले अपना AOI क्लियर होना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे किस चीज के बारे में लिखना और कैसे लिखना है। अमित भवानी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फोन, वो फोन्स के बारे में लोगों को बताते हैं, लेटेस्ट फोन क्या है, फोन रडार उनकी वेबसाइट है। ऐसे दासना का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वेज रेसिपीज, उनका पूरा ब्लॉग है वेज रेसिपीज के ऊपर। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंटेंट राइटिंग को आपको समझना होगा, कैसे इंटरेस्ट बांधा जाता है, कैसे ब्लॉग को शुरू किया जाता है, क्या टाइटल होगा जो लोगों का इंटरेस्ट कैप्चर करेगा, कैसे ब्लॉग को क्लोज किया जाता है। अब ये स्टोरी टेलिंग, ये कंटेंट राइटिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले हर चीज सीखो, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगी जर्नी, वो नेवर एंडिंग जर्नी है, वो हमेशा सीखते रहो, ग्रो करते रहो, सीखते रहो। एक्शन ज्यादा जरूरी है, कंटेंट लिखना शुरू करो, साथ साथ सीखते जाओ। सक्सेस का फॉर्मूला ये नहीं है कि पहले सीखो फिर करो, सक्सेस का फॉर्मूला है करते रहो और साथ साथ सीखते रहो। कंटेंट राइटिंग को आप समझते जाओ, लेकिन कंटेंट लिखना आज से ही शुरू कर दो। तीसरी चीज, ये भी जरूरी है लेकिन इसको भी आप साथ साथ सीखते जाओ, ये भी नेवर एंडिंग है, चलती रहेगी, विच इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO क्या होता है, जब आप सर्च इंजन पे कुछ लिखते हो, आप गूगल पे आपने लिखा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और कुछ वेबसाइट्स आ गई, वो सबसे पहले क्यों आई, वो टॉप पे क्यों आई, क्योंकि वो सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं, क्या टाइटल में लिखना है, ये सब होता है। लेकिन इसको धीरे धीरे समझ सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कई ब्लॉगर्स से सुन के बता रहा हूँ कि कई बार आपको SEO अच्छी नहीं भी आती लेकिन आपका कंटेंट पावरफुल है, वो सर्च इंजन में रैंक करता है। हमारी कई यूट्यूब वीडियोज में हमने टैग्स नहीं भी डाले, अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं भी किया, उन वीडियोज पे भी मिलियंस में व्यूज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, चीज दमदार होनी चाहिए, बाकी चीजें आप धीरे धीरे सीखते रह सकते हो। और इस सी यानी कंटेंट को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए एक सी बहुत जरूरी चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। लिखना शुरू कर दिया, आज लिखा फिर गायब हो गए, फिर मन आया लिख दिया, फिर मूड आया ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग से कमाना है, लिखा और छोड़ दिया, फिर किसी को देखा वो कमा रहा है मुझे भी लिखना, नहीं ऐसे नहीं होता, कंसिस्टेंसी चाहिए। लिखते रहना, समझते रहना, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना। जितना बार बार लिखोगे उतना लोगों के सामने आओगे, उतनी आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, उतनी आपकी ऑडियंस ग्रो करेगी, उतना आपका कंटेंट ग्रो करेगा, उतना आपका राइटिंग स्टाइल ग्रो करेगा। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब आ गए हम इस वीडियो के आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, अब बात करेंगे रोकड़े की, कि पैसा कैसे कमाएंगे। हिमीश भाई, हम मेहनत करने के लिए तैयार है, मेहनत तो हम करेंगे लेकिन इनकम कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा, अपने और अपनों के सपने कैसे पूरे होंगे, अमीर कैसे बनेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे जाएंगे। ब्लॉगिंग में मेहनत करी तो 4 इनकम सोर्सेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो बहुत सारे इनकम सोर्सेज है लेकिन ये 4 टॉप इनकम सोर्सेज है जिससे आप कमा सकते हो। पहला इनकम सोर्स जिससे आप कमा सकते हो ब्लॉगिंग में, वो है
एड रेवेन्यू। अब एड रेवेन्यू क्या है, जब आपने ब्लॉग लिखा, आपने ब्लॉग बनाया, आपने कॉन्टेंट लिखा, आपके कॉन्टेंट के बीच बीच में एड्स लगते हैं, उन एड्स को कोई देख रहा है, उन एड्स पे क्लिक कर रहा है, तो आपकी इनकम जनरेट होती है। आपको याद है शुरू में मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी जिसके अंदर एड्स लगे हुए थे, लेफ्ट साइड पे हॉटस्टार का एड था, कोई फोन केसेस का एड था, तो उस एड पे जब कोई क्लिक करता है तो ब्लॉगर को रेवेन्यू मिलता है। अब आप कहोगे इसके लिए क्या करना होगा, एडवर्टाइजर से बात करनी होगी, कंपनी से बात करनी होगी, अंदर एड बनाने होंगे, ग्राफिक बनाने होंगे, टेक्स्ट लिखना होगा, कितना कुछ करना पड़ेगा। नहीं, ये सब कुछ ऑटोमेटेड है। कुछ एड नेटवर्क्स है जैसे कि गूगल एडसेंस, एक दुनिया का सबसे बड़ा एड नेटवर्क है, इसके अलावा प्रोपेलर है, कई इस तरह के एड नेटवर्क्स हैं, ये नेटवर्क सब ऑटोमेट कर देते हैं। आप बस अपना ब्लॉग लिखो, उनका कोड लग जाता है, उस कोड की वजह से आपके कंटेंट के रिलेटेड मोस्ट सूटेबल एड वहां पे आ जाता है। जब कोई क्लिक करता है तो सारी ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली होती है, कुछ कमीशन ये एड नेटवर्क रखते हैं, कुछ कमीशन गूगल अपने पास रखेगा और बाकी रेवेन्यू आपको दे देगा, महीने के महीने आपको चेक मिलता जाता है। आपने ब्लॉग पे फोकस करना है और कोड लगाना है, बाकी सब ऑटोमेटिक है। सेकेंड इनकम सोर्स जिससे बहुत सारे ब्लॉगर्स बहुत अच्छे से कमाते हैं वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, जब आप अपने ब्लॉग के थ्रू किसी के प्रोडक्ट या किसी की सर्विस को रिकमेंड करते हो, आपने किसी फोन को रिव्यू किया, फोन के बारे में बताया और साथ में खरीदने का लिंक दे दिया कि आप यहां जाके फोन खरीद सकते हो, आपने वॉच के बारे में बताया साथ में वॉच का लिंक दे दिया, आपने ब्लेजर के बारे में बताया साथ में लिंक दे दिया, किसी सर्विस के बारे में बताया साथ में लिंक दे दिया। याद है मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाई थी शुरू में, उसमें एयरपैड की एक्सेसरीज थी और हर एक्सेसरी के बाद उसका लिंक था, अगर कोई उस लिंक पे क्लिक करता है, अगर कोई उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको एक कमीशन मिलती है। ये है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में होस्टिंगर के बारे में बताया, अब अगर आप होस्टिंगर की सर्विस लेते हो तो मुझे कुछ उसमें से कमीशन मिलती है। तो जो ब्लॉगर या यूट्यूबर, उसकी मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो उसको एफिलिएट मार्केटिंग की कमीशन से मिल जाता है। लेकिन इस चीज में हमेशा ध्यान रखना कि अपनी ऑडियंस को वही सजेस्ट करना जो रिलायबल हो, जो ट्रस्ट हो, वो सही हो, वरना आज कमा भी लोगे लेकिन ऑडियंस का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा तो वो ट्रस्ट लूज हो जाएगा, शॉर्ट टर्म रह जाएगा, लॉन्ग टर्म आप उनके साथ नहीं चल पाओगे। अब एड रेवेन्यू और एफिलिएट तो आपके मेजर इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, इसके अलावा एक और इनकम सोर्स जो ब्लॉगर्स के लिए काम का हो सकता है वो है स्पॉन्सरशिप्स। जैसे कि नाम से क्लियर है, स्पॉन्सरशिप मतलब कोई कंपनी, कोई ब्रांड आपके ब्लॉग के किसी पोस्ट को या आपके मल्टीपल पोस्ट को या आपके पूरे ब्लॉग को स्पॉन्सर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फूड ब्लॉग है और किसी कंपनी ने नई सॉसेज लॉन्च करी है, वीबा ने कुछ सॉसेज लॉन्च करी है, तो वो आपको अप्रोच करते हैं कि आप हमारी सॉसेज के बारे में अपने ब्लॉग में लिखिए, लोगों को बताइए हमारे कौन कौन से फ्लेवर आए, तो वो आपको पे करेंगे इस काम को करने के लिए, विच इज स्पॉन्सरशिप। ऐसे ही आपका मान लो इंटीरियर्स का ब्लॉग है, आप इंटीरियर डेकोरेशन पे लिखते हो और कोई कंपनी ने नई वॉलपेपर्स की रेंज लॉन्च करी है, वो आपको कहते हैं कि आप हमारे इन वॉलपेपर्स के बारे में अपने ब्लॉग में लिखिए क्योंकि आपके पास इंटीरियर वाली ऑडियंस है। तो ये है स्पॉन्सरशिप जो आपका इनकम सोर्स हो सकता है। यहाँ भी वो फंडा याद रखना, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी, अच्छी सर्विस के बारे में लोगों को बताना, जो बताना सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं बताना। अब शुरुआत में आपने एड रेवेन्यू और एफिलिएट से बिल्ड करना शुरू किया, आपका ब्लॉग चलना शुरू हो गया, आपको स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हो गया, अब आप कहते हो यार हिमेश अब हमें जाना है नेक्स्ट लेवल पे, और क्या किया जा सकता है, तो आपके अंदर जो एंटरप्रेन्योर छुपाया है उस चुल को बाहर निकाल सकते हो और अपनी इनकम को एक्सपैंड कर सकते हो। फोर्थ इनकम सोर्स जो मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर की तरह अगर आप सोचते हो तो जरूर होना चाहिए, चाहे शुरू में ना हो लेटर हो, वो है अपने प्रोडक्ट्स होना। वो प्रोडक्ट फिजिकल हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई चीज हो सकती है, वो प्रोडक्ट्स डिजिटल हो सकते हैं, कोई ई बुक हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन अगर आपके साथ ऑडियंस जुड़ी है, आपने ऑडियंस को सर्व किया है, ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन है, तो आप उनको और सर्व कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके। फॉर एग्जाम्पल, आपका फैशन का ब्लॉग है, फैशन की ऑडियंस आपके साथ जुड़ी है, आपको पसंद कर रही है, तो आप अपनी टी शर्ट्स लॉन्च कर सकते हो, अपनी सॉक्स लॉन्च कर सकते हो। आपका एजुकेशन के रिलेटेड ब्रांड है, आप अपनी ई बुक या अपनी फिजिकल बुक लॉन्च कर सकते हो, या कोई ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हो, या अपनी ऑफलाइन अकेडमी बना सकते हो। तो वंस आपने मेहनत करी, आपने सही लोगों को सही तरीके से जोड़ा है, तो आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ अपनी इनकम को भी ग्रो कर सकते हो और लोगों को भी और वैल्यू दे सकते हो। सो ब्लॉगिंग क्या है से लेकर ब्लॉगिंग से कैसे कमाना है, इस वीडियो में हमने इस सफर को तय किया। आई होप कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज कुछ कदम बढ़ी होगी, एक गाइडेंस आपको मिली होगी, एक रोड मैप, एक डायरेक्शन आपको मिली होगी। अगर आप इस करियर के साथ रिलेट कर पा रहे हो, अगर आप इससे लिंक कर पा रहे हो, तो अब टाइम है एक्शन का। अपना प्लान अभी जरूर बनाना कि क्या करना है, कैसे करना है और कहां पहुंचना है, तब जाके आपको क्लैरिटी होगी क्या आपके एक्शन स्टेप्स होंगे।
मैं कई रिलेटेड वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा जो आपके सफर में हेल्प कर सकती हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का लिंक भी मिल जाएगा और साथ में मेरा यूनिक कोड भी मिल जाएगा जिससे आप अपने ब्लॉगिंग के सफर को शुरू कर सकते हो और आसान बना सकते हो। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई लव यू ऑल।